भारत के उत्तर पूर्व में मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में स्थित एक छोटा सा गांव चिंगथा। 15,000 लोगों की आबादी वाले चिंगथा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। चिंगथा ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है। यहां महिलाएं पुरुषों के साथ हर काम में, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में तैनात है। आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता की सक्रियता से गांव में महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य स्तर में काफी सुधार आया है। इसी तरह चिंगथा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भी महिलाओं के उपचार की समुचित व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं और नवजात की यहां बेहतर देखभाल की जाती है। गांव की साक्षरता दर लगभग 60% है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत हर संभव प्रयास कर रही है। Our village is very much developing with the help of our Prime Minister and the Sri Giriraj Honorable Minister. I would like to thanks for their achievement. चिंगथा में बालिकाओं के स्कूल जाने का दर भी 100% है। गांव के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मुद्दों को तय करने में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी बराबर भागीदारी चिंगथा गांव की अपनी विशेषता है। यहां खेत से लेकर खलिहान तक और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर दूसरे कामकाज में महिलाएं अपनी भूमिका तत्परता से निभाती देखी जा सकती हैं। गांव में पर्याप्त जल आपूर्ति से जहां एक ओर महिलाओं के घर के कामकाज सुलभ हुए हैं, वहीं सरकार की कई योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी ने उनका हौसला बढ़ाया है। चिंगथा गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ कई महिलाएं आज आजीविका संपन्न हो गई हैं। ये महिलाएं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को साकार कर रही हैं।